जय हिंद, नमस्कार, जय जोहार साथियों। आज के इस व्लॉग में हम आपको लेकर जाने वाले हैं भारतीय सेना के गौरव आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आर के बीच पर मौजूद एशिया के प्रथम सबमरीन म्यूजियम में, जिसका नाम है INS कुरसुरा, जो मौजूद है आर के बीच पर। ये रही समुद्र के अंदर फायर की जाने वाली टॉर्पीडो, जो समुद्र के अंदर फायर करने के बाद तबाही मचा देती है। इस टॉर्पीडो, देयर आर 10 टॉर्पीडो ट्यूब्स, 6 इन द फोर एंड एंड 4 एट एफ्ट एंड। कुरसुरा कैरीज फायर करने के बाद टॉर्पीडो यहीं से बाहर निकलता है, जो आप अभी सामने देख रहे हैं। She is INS Kursura, a Kalvari-class diesel-electric submarine of the Indian Navy. The visual call sign is YES-20. She is the India's fifth submarine. अपना पास और 16 सबमेरी, 8 मुंबई में, 8 विशाखापट्टनम इन वर्किंग कंडीशन रशिया से खरीदा था। 31 ईयर सर्विस करने के बाद इसका लाइफ टाइम खत्म होने से इस सर्विस से हटाया, सभी जीएम के लिए रखा था। ये साउथ ईस्ट एशिया में नंबर 1 सबमरीन म्यूजियम, ग्रीन कलर से ना, इसको टॉर्पीडोस कहते हैं, अंडर वाटर बम, ऐसे वाला 22 लेके चलते। इस कंपार्टमेंट में 18, लास्ट में 4, दोनों तरफ से हमला कर सकते। तो राउंड गोल का मापी देकर इसी के अंदर से बम को भेजते। यह पनडुब्बी एक बार में गोता लगाकर लगभग 3 महीने और जरूरत पड़ने पर 4 महीने तक समुद्र के अंदर अपनी गतिविधियां लगातार जारी रख सकती है। इस सबमरीन के स्टाफ में 77 जवान होते थे और उन सब के लिए यहाँ केवल एक वॉश बेसिन, 2 टॉयलेट और 2 बाथरूम मौजूद थे। इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पनडुब्बी के अंदर कितना जटिल होता होगा जीवन यापन करना, भारतीय सेना को अपनी सेवाएं देना। ऐसे महान सैनिकों के लिए एक लाइक तो बनता ही है।
This is the first compartment of Kursura. It is also known as Four Ends. And it comprises torpedo deck, torpedo tubes. This is the second compartment. This is the sound room, also known as sonar operating room. The room is like the eyes and the ears of a submarine. Any sound underwater is analyzed with the help of sonar equipment. डेक कंपार्टमेंट नंबर 7 है. जैसे आप लोग आगे वाले कंपार्टमेंट में देखा ना, सामने 18 होते हैं टॉर्पेडो फायर करने के लिए. वैसे पीछे की तरफ भी 4 टॉर्पेडो हम लोग यहाँ से भी हमला कर सकते हैं. पूरा सबमरीन में 7 कंपार्टमेंट है. एक कंपार्टमेंट से दूसरा कंपार्टमेंट में आने जाने के लिए बीच में ऐसा गोल वाला दरवाजा रहता है, इसी में से घुस के आते हैं. ये दरवाजा उस जगह में था, आप लोगों को सूते के लिए काट के हटा दिया ताकि आप लोग आराम से आने. इसके अंदर जो क्रू मेंबर रहते हैं सोने के लिए, ऐसे पर्सन 25 होते हैं. यहाँ म्यूजियम में बदलने के बाद जगह के लिए कुछ पर्सन हम लोग हटा दिया. इमरजेंसी में निकलने के लिए कंपार्टमेंट 4 में रबर सूट देखा होंगे, ऑरेंज कलर सूट. वो सूट हर एक आदमी के पास होता है, उसको पहन के देखो सीढ़ी जो लगा हुआ. यहाँ से इमरजेंसी में 100 मीटर गहराई से ही हम लोग एस्केप कर सकते हैं. हाँ जी, बचने का रास्ता. यह है लास्ट कंपार्टमेंट का फंक्शन. इसमें 3 सॉफ्ट लगे हुए हैं, 1 रडर है, 3 बड़े बड़े प्रोपेलर लगे हुए हैं और सॉफ्ट से ये ऊपर नीचे मूव करती थी. रडर से इनको लेफ्ट राइट मोड़ा जाता था. Arabian Sea, classified location at a depth of 300 feet. She's on a patrol mission. All compartments report readiness. Compartment 1, manned and ready. Compartment 2, manned and ready. And she's silent, vigilant, watching for enemy's movements. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और निखिलेशम व्लॉग के साथ यूं ही बने रहें ऐसे ही शानदार वीडियो का लुत्फ़ उठाने के लिए. वंदे मातरम, जय सेवा, जय हिंद.